एक उल्लेखनीय उपलब्धि में अरुणाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी रॉबिन ह्यूबू, जो दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त के रूप में कार्यरत है, को केंद्र सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर पदोन्नत किया गया है। वे डीजीपी रैंक पर पदोन्नत होने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी है। हिबू एक प्रसिद्ध भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों की सेवा में अपनी अथक कोशिशों के लिए जाने जाते हैं। 1 जुलाई 1968 को अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव की छोटी सी गांव होंग में जन्म हिबू वर्तमान में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त के रूप में कार्यरत है। वे 1993 में आईपीएस में शामिल हुए और अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी है। उन्होंने अपनी पूरी कैरियर में विभिन्न पदों पर कार्य किया, इसमें दिल्ली सशस्त्र पुलिस में विशेष पुलिस आयुक्त, राष्ट्रपति भवन में मुख्य सुरक्षा अधिकारी और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रबंध निदेशक शामिल है। हिबू गैर लाभकारी संगठन हेल्पिंग हैंड्स की संस्थापक भी है, जो सरकार में पूर्वोत्तर के नागरिकों को सहायता प्रदान करता है। मैं मन्ना संगमा, आपकी चैनल लठवा न्यूज से।